मेरी सोच है 2-2.5 करोड़ दे जाके मुक जाती है। 2-2.5 करोड़ सिर्फ एक शॉट के एक शॉट पे तुमने ये कर। ये चीज सेम है ऐसे ही। ये बेसिकली सट्टा जुए को कहा जाता है। अगर हम 100 रुपया लगाते हैं ना तो उसके साथ हमें 800 रुपया मिलता है। ये चांद रात को जुआ होता है नंबरिंग का, ठीक है। चांद रात को भी होता है? हाँ जी, ये चांद रात, हर चांद रात, ये 15 तारीख की भी उनकी चांद रात होती है और यकम की भी चांद रात। तो एक रात में अस्तगफिरुल्लाह तौबा नऊज़ बिल्लाह के कुछ भी हो सकता है उसके साथ। 100 लगाते हैं उससे हमें 800 मिलता है, तो अगर हम 1000 लगाएंगे तो हमें 8000 मिले। इसी तरह हमारा लालच बढ़ेगा। अगर वो फिगर नहीं आया तो हम हार गए, अगर वो आ गया तो हम जीत। तो आज जो है मैं एक ऐसे इंसान के पास आई हूँ जो कि खेलते नहीं है लेकिन उनको इन चीज़ का, इस चीज़ का नॉलेज है कि सट्टा जो है वो बेसिकली होता क्या है, ये गेम किस तरह से स्टार्ट होती है और बेसिकली एक बिजनेस है कि लोग इससे बहुत अच्छा खासा कमा भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो इससे उनको नुकसान भी हो रहा है। और इसका नुकसान इस तरह के लोगों को जब इतने ज़्यादा पैसे उनके लग जाते हैं, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो एंड पे वो मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं और जीतने वाला तो फिर खुशी से पागल हो जाता है कि 1000 लगा के अगर उसे 10000 आए तो उसको और क्या चाहिए। लेकिन बेसिकली एक बहुत इलीगल काम है और अगर आप पकड़े जाएँ तो पुलिस से धुलाई अलहदा है और वैसे भी गलत काम में नहीं करना चाहिए। मैं इनसे जानूंगी कि बेसिकली सट्टा क्या होता है और PSL आने वाला है तो लोग किस तरह से मैचेस को देखते हैं कि PSL आने वाला तो अब उन्होंने क्या प्लान करना है, वर्ल्ड कप आने वाला तो क्या प्लान करना है, तो आए उनसे बात करते हैं। ये बेसिकली सट्टा जुए को कहा जाता है, ठीक है, और ये खेलने से लोगों को बेनिफिट्स भी होता है और काफ़ी नुकसान भी होता है और ज़्यादातर नुकसान में लोग रहते हैं। और काफ़ी ये जो गरीब लोग हम सुनते हैं ना कि ये यार इस बंदे ने खुदकुशी कर ली, ये हो गया वो फलां के साथ उसकी गाड़ी रख ली गई, ये हुआ, ये सारा चीज़ ये जुए पे है। जैसे कि अब हम PSL हो रहा है तो इस पे काफ़ी ज़्यादा जुआ लगता है और काफ़ी किसी दौर में, किसी ज़माने में हम भी खेलते थे, काफ़ी ज़्यादा हमने खेला है ये, लेकिन जब हमें समझ आई है तो हम इस चीज़ से दूर हो गए हैं। ठीक है, मुझे बताइए इसमें आपको फ़ायदा किस तरह से होता है, कोई बहुत ज़्यादा पैसों की कमाई होती है और नुकसान किस तरह का होता है आपको इसमें कि पुलिस वुलिस पकड़ लेती है क्योंकि एक इलीगल काम है? जी ये भी है, अलीगल काम तो है ही है, लेकिन इसमें कमाई इस तरीके से की जाती है कि अगर हम 100 रुपया लगाते हैं ना तो उसके साथ हमें 800 रुपया मिलता है, ठीक है। अगर हम उस तरीके से, हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा लालच बढ़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे और अगर हम हार गए तो वो समझेंगे वो हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। अगर हम जीत भी गए तो फिर भी अगर अगली वाली पार्टी हैवी है तो उसने हमें वही देना है जो उसका दिल करना है, उसने हमें ये नहीं हमारे मुताबिक या ईमानदारी से कुछ नहीं देना है, वो सारा बेईमानी से उसने या उसने छापा पड़वा देना है खुद ही, ठीक है, उसने सारे पैसे हड़प लेने। मुझे बताएं जैसे लूडो 4 लोगों की गेम है, वैसे जो सट्टा है कितने लोगों की गेम है? सट्टा ये जो मैचेस हैं इन पे तो काफ़ी ज़्यादा एक एक बंदा जो होता है उसके पास काफ़ी ज़्यादा खेलने वाले होते हैं, वो एक बंदा होता है जो इस चीज़ को हैंड ओवर कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे हैं वो खेलते जा रहे हैं बेचारे, जिसका लक है वो लग गया, जिसको मिल गया मिल गया, जिसको नहीं मिला वो नहीं मिला, वो बेचारा कंगाल हो गया। मुझे बताएं कि इसमें शुरुआत कैसे होती है, कैसे आप 100 रुपया लगाते हैं, क्या इसमें आप डील करते हैं कि अगर आउट हो गया तो कौन करेगा, मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन होती है कोई? अगर ये हम बेसिकली ये जाएं छोटे दर्जे पे तो ये होता है, छोटे दर्जे पे ये आउट और छक्के वाला चांस नहीं होता, ये होता है कि बेसिकली फिगर लगा लिया, फैंसी खेल ली कि ये टीम इतना स्कोर करेगी, ये इस ओवर में 5 खड़ा हो जाएगा, इस ओवर में ये 10-0 आ रहा है इस तरीके से, और उस पर अगर हम 100 लगाते हैं उससे हमें 800 मिलता है, तो अगर हम 1000 लगाएंगे तो हमें 8000 मिले। इसी तरह हमारा लालच बढ़ेगा, अगर वो फिगर नहीं आया तो हम हार गए, अगर वो आ गया तो हम जीत गए। अच्छा, बेसिकली आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अब ये बंदा जो है 100 स्कोर मारेगा, सेंचुरी बना के जाएगा, उस सेंचुरी पे आप कहेंगे कि अगर इसने सेंचुरी बना ली तो आप दूसरी पार्टी से कहेंगे कि मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, ऐसे ही है? जी इसी तरह से। और अगर उस बंदे ने सेंचुरी नहीं बनाई तो वो बंदा आपको 1000 रुपया देगा? नहीं, 1000 नहीं, वो मुझे 8000 रुपया देगा, क्योंकि उसके पास बुक चल रही होगी, इस चीज़ की होती है बुक, ये जुए की, जिस बेसिकली ये नंबर्स भी खेले जाते हैं काफ़ी, जैसे कि ये बॉन्ड्स हैं, इन्हीं के नंबर अलीगल तरीके से 4 नंबरों का 6 नंबरों का उसके साथ अगर हम खेलते हैं तो वो मेरे ख्याल से 100 रुपये के साथ 4 लाख है, अगर वो 4 नंबर हमारे मैच हो जाते हैं उनसे। मुझे बताएं कि मैक्सिमम इस काम में बेशक इलीगल है लेकिन कितना एक पैसा इंसान जो है वो कमा सकता है और कितना एक जो है वो नुकसान हो सकता है उसे? ज़्यादा से ज़्यादा कमा भी सकता है अनलिमिटेड, और देखा जाए तो एक रात में अस्तगफिरुल्लाह तौबा नऊज़ बिल्लाह के कुछ भी हो सकता है उसके साथ, ठीक है। मुझे बताएं कि ये गेम मतलब जो होती है सट्टे की, ये जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है
तो ये एक बड़ा लोग इस मैच का इंतजार करते हैं, सट्टे के लिए भी करते होंगे कि पैसा कमाना होता है। इस तरह PSL आ रहा है, तो इसमें आपने देखा हो लोगों को कि वो किस तरह से जो है वो इस मैच को शुरू करते हैं और क्या उनके प्लान्स होते हैं, क्या PSL आ रहा है तो हम कैसे ये सट्टे वाला काम शुरू करें इस बिज़नेस को? ये PSL का जो सट्टे वाले लोग हैं ना, इन्होंने पहले से ही सोचा होता है कि हमने टीम चूज़ कर ली, ये टीम मेरी हो गई, और उस पर फिर वो अंधाधुंध अपनी पेमेंट लगाते हैं, जिसके पास जो है वो लगा देता है। अगर वो अव्वल दर्जे पे खेल रहा है तो ठीक है, और जो गरीब है वो उसने भी जितना चाहना है, अगर उसे है वो खेलता है तो वो खेलेगा ज़रूर, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये प्लानिंग तकरीबन 6 माह पहले ही हो जाती है। 6 माह पहले होती है, तो क्या कोई जगह मखसूस की होती है आप लोगों ने, जो भी लोग सट्टा खेल रहे होते हैं उन लोगों ने, या वैसे ही बैठे बैठे यार दोस्त एक जगह बैठे हैं तो वो प्लान कर लेते हैं कि यार हमने उस दिन मैच है आके हमने यहाँ पे खेलना? नहीं नहीं, ये यारी दोस्ती वाला सीन नहीं रह जाता यहाँ पे। बेसिकली के एक बड़े लेवल पे जो बैठा है ना, जुआ करवा रहा है, उस बंदे का अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है, हमने नहीं देखा, ठीक है। बस हम इतना जानते हैं कि उसी के पास ये सारा कुछ जाता है, ठीक है। वो आगे उसकी शाखें हैं, जैसे कि ब्रांचेज होती हैं, उसने ब्रांचों पे कहीं छोटा बैठा किसी गली मोहल्ले में, उसने बुक किया, उसने आगे बुक करवाया। अच्छा मुझे बताएं कि सट्टे की शुरुआत कैसे होती है, इस गेम को शुरू कैसे किया जाता है, कौन सी पार्टी होती है जो पहले आती है? जैसे हम देखते हैं मैचेस में टॉस होते हैं, उसके बाद एक टीम डिसाइड करती है कि अब उसने बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, तो ये कैसे स्टार्ट होता है कि कौन पहले पैसे लगाएगा या कौन पहले प्रेडिक्ट करेगा कि अगले ने क्या करना है? नहीं, ये ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ऐसा ये होता है कि सपोज कीजिए कि मैं खेलता हूँ, मुझे ये आदत है, ठीक है, और ये बेसिकली सबको पता है कि जुआ तो होता है, जाहिर सी बात है। फिर मैं वो बंदा ट्रेस करूँगा कि ये यार किसके पास हो रहा है, ठीक है। वो एक बंदा बैठा होगा अपने ही सुकून से, उसका मोबाइल पे भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, उसके सब कुछ, उसने अपना काफ़ी नेटवर्क उसका होगा, तो उस हिसाब से मेरी भी कॉल उसे जाएगी, या अगर मैं उसे मिल सकता हूँ तो मैं उसके पास जाऊँगा कि यार भाई ये मेरा इस मैच पे ये लगा हुआ है, मैंने 10,000 रुपया लगा दिया इस मैच पे, इसका रन रेट क्या है, इसका रेट क्या चल रहा है, वो मुझे बताएगा सारा हिसाब किताब, फिर मैं उस हिसाब से उतनी पेमेंट मैं उसे दे के आ जाऊँगा। अगर वो मेरी टीम विन हो गई तो वो मुझे कॉल करेगा कि आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, या वो आपको बुला के आपको पेमेंट कर देगा। इसके अलावा वो खुद बेसिकली नहीं खेल रहा होता है, वो आगे खुद उससे बढ़ाओ आगे बैठा होता है, वो उसके पास जा रहा होता है, फिर उससे आगे बड़ा बैठा होता है, फिर उसके पास जा रहा है, ये करोड़ों पे बात पहुंच जाती है कि इसमें एक दिन में बंदा करोड़पति भी हो सकता है और एक दिन में जीरो भी हो सकता है, एक घंटे में भी हो सकता है। तो मुझे बताएं कि जो लोग हारते होंगे इतना ज़्यादा पैसा लगा के, वो तो बड़ा नुकसान होता है, तो उसके बाद तो पीछे उनके पास कुछ भी नहीं बचता होगा। तो फिर जाहिर सी बात है कि इस बात का अंजाम तो यही होता है, जब बंदा एक चीज़ पे पट्टी बांध के चल पड़ता है कि जो मर्जी आए खाई है, जो मर्जी आए उसे तो नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो सीधे रास्ते जा रहा है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बताएं जैसे किसी इंसान है किसी चीज़ की हमें लत लग जाती है एडिक्शन, तो ये जो सट्टा होता है ये भी एक ऐसी चीज़ है कि इसकी लत लग जाती है इंसान को, फिर वो नहीं देखता कि वो हार रहा है या जीत रहा है? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि मैंने खुद लच काफ़ी मैंने खेला है, मैंने 4-5 साल ये लगातार खेलता रहा, ठीक है, और मैंने अब नहीं खेलता, मुझे कोई लच नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे बताएं जब आपने खेलना इसको किस तरह से शुरू किया था, किसी को ये कंपनी मिली थी या क्या सीन था आपका? नहीं, बेसिकली मैं जिन लोगों में बैठता था, जैसे कि मेरे दोस्त थे, उनके चाचू वगैरह, उनकी गैदरिंग ऐसी थी कि वो ये चांद रात को जुआ होता है नंबरिंग का, ठीक है, तो चांद रात को भी होता है। हाँ जी, ये चांद रात, हर चांद रात, ये 15 तारीख की भी उनकी चांद रात होती है और यकम की भी चांद रात। चांद रात तो वो होती है ना जो ईद से पहले आती है, ये मैचेस की चांद रात है, ये ड्रा की चांद रात होती है, ठीक है, ये जो बाउंड ड्रा होता है, इनके नंबर दिए जाते हैं, उनमें से जिसका लग गया उसे मिल गया, जिसका ना लगा, बेसिकली वहाँ से ये मैंने स्टार्ट किया, उनको देखते उनके लगे, मेरे दिल में लालच पैदा हुआ, मैंने भी खेलना, कुछ लगे कुछ काफ़ी ज़्यादा लाउंस हुआ, फिर इस वजह से मैंने तो पता है वो कि ये काम मुझे से बताएं कि आपने जब खेला तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको कितने रुपये का हुआ और सबसे ज़्यादा फ़ायदा कितने कमाया आपने उस जुए में? तकरीबन मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो 40-50 हज़ार रुपया मैं बेनिफिट में ही होगा। 40,000 का बेनिफिट हुआ, नुकसान कभी नहीं हुआ? नुकसान मुझे तो नहीं हुआ लगा। इतनी अच्छी प्रेडिक्शन है आपकी? जी बिल्कुल। मुझे बताएं कि आप मैचेस में इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब इस गेम में आने के लिए या ये बिजनेस करने के लिए, जो कि इलीगल है, नहीं करना चाहिए, जुआ या हराम है, लेकिन इसमें आपको मैचेस में इंटरेस्ट होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं आप बैठे बैठे हवा में तीर छोड़ सकते हो कि नहीं होना एंजॉएगा तो एंजॉएगा? वो मैंने छोड़ा है, और बेसिकली इस चीज़ का गवाह भी है, मेरे कज़न्स हैं, उनमें मैं बैठा था, तो ये जो इन्होंने कोरोना के बाद PSL करवाया है, जो फाइनल इन्होंने करवाया, तो मैंने बैठे बैठे मैंने कह दिया कि ये टीम जीतेगी, तो मेरा कज़न बोला कि नहीं यार ये टीम जीतेगी, मैंने कहा यार ये इसी टीम ने जीतना है, कल मैच था अभी, तो वो कहता 1,000-1,000 रुपया लग गया, खा पी लेंगे कुछ, मैंने कहा चलो वो लग गया जी, और अगले दिन मुझे फ़ोन पर रोने लग गया, तो वो टीम अल्लाह के फजल करम से जीत गई।
अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि वर्ल्ड कप में तो हमें पता है कि बड़ा हैवी हैवी सट्टा लगता होगा, लेकिन अब PSL 6 आ रहा है और PSL भी एक ऐसी चीज़ है जिसका हम पूरी दुनिया को इंतजार होता है कि PSL आ रहा है, तो मुझे बताएं कि इस पे जो है वो सट्टा किस तरह से लगता है लगेगा अब PSL 6 पे? अब तो क्राउड भी अलाउड नहीं है वहाँ पे मैचेस में। नहीं लगेगा ज़रूर, ये क्राउड का कोई सीन नहीं होता, क्राउड पे बैठ के नहीं ये खेला जाता, ये खेला जाता है लिंक्स पे, ये खेला जाता है जैसे कि आप ऑनलाइन कह लें, ये वो सीन चल रहा है, नेटवर्क है उन लोगों का एक। और PSL पे तो सट्टा बॉल पे लगता है, PSL हो गया जैसे ये T20 का मैच गुजरा, वनडे हो गया, टेस्ट मैच पे कम लोग लगाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है लंबा तो, लेकिन ये जो छोटे मैचेज हैं इन पे सब पे सट्टा लगता है और बॉल पे लगता है, बॉल टू बॉल लगता है कि जैसे कि आप सपोज कर लें अगले दिन बाबर आजम ने बॉल कितना इजीली था तो उन्होंने एकदम से मिस कर दिया और आउट हो गए। और आवाम को ये प्लान होता है सारा, ये प्लान होता है अगर वो उसने बॉल मिस करना है, जैसे कि देख रहे हैं हम लोग मैच और एक बॉल पे दो रन चाहिए या एक रन चाहिए तो उस हिसाब से हमारा तो ये जो सट्टे वाली टीम होती है सारी, ये इनके प्लेयर्स के साथ की कमिटमेंट ही होती है कि इतने पैसे अगर हम जीतेंगे आप ये करोगे तो हम आपको देंगे? लेकिन हाँ हुई होती है, जैसे कि हमने मूवी भी देखी है, अगर आप जाएं तो ये सारी बात उन्होंने मूवी में रियल वाली दिखाई है, जन्नत मूवी। आप जन्नत, मैं यही सोच के आई थी जन्नत। हाँ हाँ, तो इस मूवी को आप देख लें तो उसमें आपको यही मिलेगा और सेम यही चीज़ चल रही है, यही सीन जो कि सेम वो है, मैं आगे यही कहना चाहूँगा कि यही चल रहा है सीन। अच्छा मुझे बताएं कि जो मैच फिक्सिंग होती है इसका दूसरा नाम यही है कि सट्टा लगा हुआ है यहाँ पे? ये सट्टा लगा हुआ है, फिक्सिंग इसी को कहते हैं, फिक्स करना होता है जाके के प्लेयर को, प्लेयर के साथ जाके बातचीत होती है, ठीक है अगर प्लेयर मानना है ईमानदार है या नहीं आजकल के दौर में अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उसने अगर वो हो गया सेटिस्फाई तो फिर तो ओके है सब। अगर उसने कहा कि फलां ओवर में फलानी बॉल पे तुमने बोल्ड होना है, या जैसे कि ओवर में तीन चाहिए और दो बॉलें पड़ी हैं और तुमने एक पे एक लेना है लेकिन दूसरी बीट करवानी है, अगर दूसरा प्लेयर रन ले रहा है तो तुमने रन आउट कोशिश करनी है उसे रन आउट करवा दो, ऐसी चीज़ों पे ये सट्टा लग जाता है तो उस पे लोग एक एक बॉल पे खेलते हैं। मुझे बताएं कि प्लेयर्स तो वैसे भी बड़ा अच्छे खासे पैसे लेते हैं, तो जब ये सट्टे की बात आती है तो मिनिमम और मैक्सिमम कितने पैसे दिए जाते हैं एक प्लेयर को इस फिक्सिंग के? अगर आखिर प्लेयर को ज़्यादा मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा, हमारी मेरी सोच से भी ज़्यादा दिए जाते होंगे। आपकी सोच कहाँ तक जाती है? मेरी सोच से 2-2.5 करोड़ जाके मुक जाती है। 2-2.5 करोड़ सिर्फ एक शॉट के एक शॉट पे तुमने ये करना? ये चीज़ सेम है ऐसे ही।